फेसबुक पे अपनी ईमेल आईडी कैसे चेंज करें, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने लिखा है हाउ टू चेंज ईमेल आईडी ऑन फेसबुक। फेसबुक पे आपका किसी भी तरह का अकाउंट है, आप उसमें इजीली अपनी ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जरा देखोगे हम करने के वाले क्या है कि हमारे पास इस टाइम ओल्ड ईमेल आईडी है, जो करंट है उसको हमने चेंज कर देना, किसमें न्यू ईमेल आईडी हमें लगा देनी है। बट ये प्रोसेस हमें करेंगे कैसे वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक करी तो हो सकता है कि आपका ईमेल आईडी चेंज ना हो, और कई बार तो ऐसा होता है कि वो लैप्स भी कर जाता है, यानी कि उसमें ईमेल आईडी आपकी सही से फिर लगती भी नहीं है। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलना। देखो मैं आपको गूगल क्रोम पे लेके आया हूं, आप चाहो तो मोबाइल के गूगल क्रोम पे जा सकते हो। आपको फाइल में जाना पड़ेगा, थ्री डॉट करना पड़ेगा, फाइल में जाना पड़ेगा और डेस्कटॉप मोड को आप इनेबल कर सकते हो। अब बात करते हैं, ये हमारा अकाउंट आ चुका है फेसबुक का। सबसे पहले आपकी जो पुराने वाली ईमेल आईडी होगी जो इस टाइम आपकी थी, वही ईमेल आईडी आपको लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करोगे आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। अब यहां पे प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है और यहां पे एक ऑप्शंस मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सेटिंग पे क्लिक कर देना है। अगर आप मोबाइल से करना चाहते हो तो मोबाइल से भी कर सकते हो, मोबाइल का जो एप्लीकेशन है वो इसी वीडियो में आगे आपको बता दूंगा। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखो यहां पे ना एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ये है सी मोर इन एक्शन सेंटर, इस पे आपको क्लिक करना है। एक्चुअल में जो भी काम हो रहा है मेटा पे हो रहा है, आपको क्लिक करना है पर्सनल डिटेल पे। क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब जो बात आपको बता रहा हूं वो बड़े ध्यान से समझोगे आप, यहां पे क्या है पर्सनल डिटेल है। अब यहीं पे आपको आपका ईमेल आईडी भी दिख जाएगा और आपका फोन नंबर भी दिख जाएगा, यानी कि चेंज आपको यहीं से करना है। और जैसे ही आप मोबाइल से करोगे मोबाइल से भी आपको इसी तरह से दिखाई देगा। अब करना क्या पड़ेगा आपको, यहां पे इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पे जरा बात समझने की है कि यहां पे आपको ईमेल आईडी मिलेगी और यहां पे क्या मिलेगा आपका फोन नंबर मिलेगा। अगर आपका फोन नंबर भी है और ईमेल आईडी भी है तो यहां पे क्लिक करके आप इस ईमेल आईडी को डिलीट कर सकते हैं, बट मेरा मानना है ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक ऑप्शन है एड ए न्यू कॉन्टेक्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है एड ए ईमेल पे, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं। क्लिक करने के बाद में अब आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, यहां पे लिखा है एड ए न्यू ईमेल आईडी। तो यहां पे आपको क्या डालना पड़ेगा, जो न्यू ईमेल आईडी जो आप रखना चाहते हैं, जिस पे आप ये अकाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसमें बताया गया कि आपका जो अकाउंट है वो इस ईमेल आईडी पे एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास दो ईमेल आईडी यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगी। अब आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ से बैक करना है। अब आपको जो आपकी पुरानी ईमेल आईडी है इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो फटाफट से इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, आपके जो पुरानी वाली ईमेल आईडी यहाँ पे दिख रही होगी। और अब आपको क्या करना है, डिलीट ईमेल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये ईमेल आईडी आपकी यहां से डिलीट हो जाएगी और जो नए वाली है वो ऑटोमेटिक यहां पे लग जाएगी। हो सकता है यहां पे दो ईमेल आईडी भी दिखाए, बट आपको क्लिक करना है पुरानी वाली पे। पुरानी वाली पे क्लिक करके आप इसको डिलीट कर दीजिए, आपकी यहां पे नई ईमेल आईडी लग जाएगी। अब जो भी आप एक्सेस करोगे वो नई ईमेल आईडी से करेंगे, पुरानी ईमेल आईडी आपकी यहां से हट जाएगी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है आपकी ईमेल आईडी चेंज करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।